कोरोना के सबसे ज्यादा मार झेल रहे महाराष्ट्र में आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। स्वास्थ्य मंत्री ने महामारी विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि जुलाई या अगस्त आते आते राज्य में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, ऐसे में हम सभी उससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं। हमने राज्य प्रशासन से कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा है और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में मई के अंत तक संक्रमण की स्थिति ऐसे ही बनी रह सकती है, ऐसे में अगर राज्य को जुलाई या अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ता है तो हमारी चुनौतियां काफ़ी बढ़ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता पर ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, नगर आयुक्तों के साथ कोरोना समीक्षा की बैठक की। बैठक में कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन समेत कई पहलुओं पर चर्चा की गई। सीएम उद्धव ठाकरे ने कलेक्टरों से ऑक्सीजन प्लांट सेटअप पर जोर दिए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना आए। वैक्सीनेशन के चौथे चरण को लेकर राजेश टोपे ने कहा कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू नहीं किया जा सकता। राज्य के पास वैक्सीन की पर्याप्त स्टॉक नहीं है, ऐसे में टीकाकरण शुरू नहीं किया जा सकता। टोपे ने कहा कि टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए कम से कम 5 दिन का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए।